थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच टेली टॉक. आपके साथ ही मनी थी दिवाली, तो आई थिंक आप लोगों को भी पता है कि कैसे मनी थी. कुछ अलग अंदाज में मनी थी एंड दोस्तों एंड फैमिली के साथ मनाई गई थी, तो बहुत अच्छी. हम विश हम होप करते हैं कि आप लोगों की दिवाली भी बहुत अच्छी गई होगी. यप एग्जैक्टली. आई डोंट थिंक हमारे इतने एक्सपेक्टेशंस थे, है ना. हमारे इतने एक्सपेक्टेशंस सचमुच में नहीं थे. हमें जो करना था हमने किया, मतलब जो हम कर सकते थे, तो वही अपने हमने अपना बेस्ट दिया एंड आई थिंक दैट वाज मोर इंपॉर्टेंट. एंड मैंने उस समय भी कहा था कि ऑडियंस ने पब्लिक ने बहुत सराहा, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. हम लोगों के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. नित्यामी का पहला टीवी शो था, पहला रियलिटी शो था. मेरे लिए कुछ अलग टाइप का रियलिटी शो था, सो इट वाज लाइक अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी. एंड या वी हैड अ ग्रेट टाइम. आवर टीम वाज बहुत ही अच्छी एंड उन लोग ने भी बहुत ग्रो किया. मैसी एंड सुभाष ने बहुत ग्रो किया एज कोरियोग्राफर्स, एज एंड जो असिस्टेंट थे मोहित एंड धन्नो. सो आई थिंक ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड टीम एफर्ट एंड वी ऑल हैव लर्नड अ लॉट एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. द जर्नी, द जर्नी नॉट द डेस्टिनेशन एंड द लर्निंग नॉट द विनिंग. ओह या हमेशा. मेहनत तो था ही, बट द थिंग इज मैंने कभी मेहनत ये नहीं सोच के किया कि जीतना है. लाइक हमारे लिए एवरी वीक एक जंग होता था. लाइक इट यूज टू बी हमारा खुद का ही बैटल, इसलिए हमने कभी अपने आप को कंपेयर नहीं किया किसी और कपल के साथ, क्योंकि हमारा जर्नी हमेशा बाय डिफॉल्ट अलग ही था. इसका फर्स्टली बिकॉज इज अ डांसर तो एक्सपेक्टेशन अलग है, और मेरा बिकॉज आई एम इंजर्ड सो आई कांट कंपेयर माई सेल्फ दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ. तो आई थिंक जितना हमने किया वी रियली गिव इट आर ऑल. तो मैं बिल्कुल मैं हमेशा पूरे थ्रू आउट उसमें भी कहता हूँ कि यार मुझे रिजल्ट से आई वाज नेवर, मैंने कभी ये नहीं कहा, नहीं हमने कभी कहा कि हमें जीतना है. हमने तो ऑनेस्टली सोचा नहीं था कि वीक टू के बहुत रियलिटी शो कर लिया हम लोगों ने. मैंने तो कर लिया है, तो इट्स आई थिंक एंड शांतनु बीइंग अ डांसर वो कभी ये शो में नहीं आया था सोच के कि मैं डांसर हूँ तो मैं ही जीतूंगा. वो नहीं था, नहीं नेवर. See, मैंने भी वो कभी उससे नहीं लिया इन टर्म्स ऑफ लर्निंग. आई नेवर थॉट लाइक दैट कि हाँ यू नो ही इज अ डांसर तो जीतना ही है. कभी नहीं, कभी नहीं. आर जर्नी वॉज ऑलवेज अबाउट द लर्निंग, टेकिंग इट वीक बाय वीक एंड सेलिब्रेटिंग डांस एंड एट द सेम टाइम पुशिंग योरसेल्फ कि आप लोगों को जो ऑडियंस देख रही है आजकल बहुत स्मार्ट हो गई ऑडियंस. सो आई डोंट वॉन्ट कि उनको ये लगे कि हाँ ये पहले देखा हुआ है शांतनु ने किया है या वो किया है. आई वॉन्टेड टू मेक श्योर कि बिकॉज एक एक्सपेक्टेशन है मैं डांसर हूँ. यस नित्यामी को चोट लग गई है तो वो हो जाता है कि हाँ इससे तो नहीं देखेंगे, बट हम मुझसे एक एक्सपेक्टेशन है या जो भी है. बट आई थिंक शी ऑल्सो पुश्ड हरसेल्फ जितना वो पुश कर सकती थी, और मैंने भी अपने आप को जितना पुश करना था वो मैंने पुश किया. तो आई मीन दैट वॉज एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. हाँ जी हम ऐसी यार आई नो कि इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग ने कुछ कुछ कमेंट्स किए हैं एंड हमें अप्रिशिएट किया है एंड व्हाटएवर जो भी कहा है उन्होंने. आई से इट मींस अ लॉट, इट मींस अ लॉट कि कहीं ना कहीं हमने टच किया है, हमने as a performer yeah as a whatever we are people have felt that yeah jo bhi ho whether it's industry people or just generally people yeah the fact that they have felt it and they have expressed it on social media so I mean that's it means a lot to us but yeah I mean ultimately aap kuch kar nahi sakte hain so it's I'm very happy. I mean it's very overwhelming to see the kind of love that people have showed on social media and and personal messages and DMs and whatever it is. And that's priceless hamare liye. So bahut kuch change ho jata hai. Nahi but generally like agar aap you know firstly hamare liye bahut naya tha, so we were still in the process of getting to know each other, you know abhi jaan rahe and that too अगर ऐसे किसी को डाल दो उन साथ में एवरी आवर. जनरली यू स्टार्ट अ रिलेशनशिप एवरी आवर एवरी डे, यू डोंट स्पेंड विद समवन ना. तो वो हो गया विच टीचेस यू अ लॉट अबाउट ईच अदर एंड
I honestly think it's made our bond stronger. And I think hume, more than anything, hume understanding hai in regards to each other now. We know each other, we understand each other. So no matter what people say, we know hamare beech mein kya hai and hamara understanding kya hai. So yeah. And I think main to ek cheez se bahut dara hua tha kyunki like okay relationship hai, but she has not seen the dancing साइड इन टर्म्स ऑफ जब मैं प्रिपरेशन में जाता हूँ तो कैसे जाते हैं मेरी जो हम लोग की टीम है वो कैसे हो जाती है, तो वो मुझे थोड़ा डर था कि ये मेरे से बाल बाल नोचेगी या फिर मैं इसके बाल बाल नोच दूंगा कि यू नो एक्टिंग में तो बहुत अलग था ना एक्टिंग इट वाज डिफरेंट एक्टिंग इज डिफरेंट एंड डांसिंग जब करते हैं तो हम लोग बहुत डिफरेंट थॉट प्रोसेस से जाते हैं, तो वो मुझे डर था, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट शी अंडरस्टूड. And, it's a passion. Yeah. I love ki jo bhi, like even agar he's telling me about something or he's being strict, I know it's coming from a place of passion. And agar wo kuch bol raha hai mujhe, toh he's telling me kyunki he either knows my potential or he knows I can get there, or he doesn't want. It's very easy for him being a dancer to say ki haan tujhe jo karna hai tu kar aur main jo mujhe jo karna hai main karungi. But we worked as a team, I think, and he pushed me just as much as he would push himself. And for me, wo bahut बहुत बड़ी चीज है. तो या हाँ जी सी मैं वही बोलता हूँ कि हम लोग ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं. वी आर वेरी हैप्पी वेयर वी आर इन आवर रिलेशनशिप राइट नाउ, एंड हम एक्सप्लोर करेंगे. जैसा कि मैंने कहा, डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा मौका मिला, हमारी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई इन एवरीथिंग, एंड लेट्स सी, होपफुली फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर आल्सो. नो ईच अदर. अरे ओके नहीं नहीं तुम पूछो तो ठीक है. फेवरेट डांस फॉर्म मुझे बता अभी. बॉलीवुड. यस इसका फेवरेट, इसका भी बॉलीवुड ही है मतलब, बट इसको अलग अलग करने में मजा आता है. बट फेवरेट फेवरेट देखा जाए तो हाँ ओके ठीक है बॉलीवुड, बट आई लाइक अलग अलग. आई थिंक क्लासिकल. आई थिंक मे बी हाँ हाँ नहीं ओके ठीक है मैं दे दूंगी तुझे. हाँ बॉलीवुड हाँ मतलब चेंज होता रहता है, बट ऐसा नहीं है. हाँ ठीक है देखा ना कन्फ्यूजन देखा ना अभी. मेरा खुद का उसकी गलती नहीं है. बॉलीवुड फेवरेट सॉन्ग तो बहुत मुश्किल है यार. मैं बता सकता हूँ इसका तुझे कितना चाहने लगा. नहीं अभी 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 शांतनु चेंज हो गया. वो कब से वो स्टार्ट मेरी गलती नहीं है. वो हमने शुरू किया तब मैंने उसे बोला था ये मेरा फेवरेट. अभी थोड़ी भी पहले था, एक वीक पहले तक तो वही था. अभी गाड़ी में चेंज हो गया तो पता नहीं मेरे को. मेरा तो बहुत चेंज होता है. बहुत चेंज होता है, उसके मूड पे डिपेंड करता है. ही लाइक्स आई नो देयर्स क्वाइट अ फ्यू सॉन्ग. अभी तो इसका बाला चल रहा है. हां बाला क्या गाना फेवरेट सॉन्ग. आई नो ही लाइक्स डिफरेंट गाने, उसके मूड पर डिपेंड करता है. ही लाइक्स आई नो ही लाइक्स लाइक ओल्ड स्कूल लाइक जैज. ही लाइक्स सर्टेन काइंड्स ऑफ हिप हॉप, नॉट सो मच रैप. बॉलीवुड में भी कोई गाने कोई पैशन. यू लाइक एक दिल एक जान, वो तुझे पसंद है ना वो गाना. वो है मैं पांच बार वो नहीं देखता है मूवीज उतने बार. वो एक ही बार देखता है जनरली. आई डोंट थिंक दिस मूवीज जो तू रिपीटेडली देखता है. I don't think so. Yeah. ये भी नहीं देखती. मैं भी नहीं देखती हूँ as such. ये अलग अलग मूवीज देखती है. हॉरर. हॉरर. वो तो उसे पता है. Yeah. कोई बकवास मूवी भी दिखा देती है. आई थिंक तू ज्यादा हॉरर मेरे वजह से ही देख रहा है ना अभी. बहुत बकवास मूवी भी देख रहा हूँ इसके वजह से. फेवरेट एक्टर. आई नो एक्ट्रेस जेनिफर लॉरेंस. एक्टर तो देयर्स अ फ्यू आई वुड से. डिपेंड्स हॉलीवुड या बॉलीवुड. आई थिंक ही हैज मोर हॉलीवुड favorites if I'm not mistaken, but Bollywood mein bhi hai. It's not that he doesn't. Yeah. He has, but for alag alag reasons alag alag people. Am I right? Yeah. But naam to bata ek do. Bollywood mein humne kabhi itna discuss nahi kiya. Mera kaun hai? Acha. Shahrukh Khan. Oh shit. Wo pata hai. But actor nahi. Acting wise koi. Oh Nawazuddin. How could I? Oh my god, Nawazuddin. Matlab wohi. हाँ. Favorite food? इसका sushi. Yeah. Like mostly Japanese. Not bad, huh? Usually he doesn't remember these things. Shantanu ka
इट डिपेंड्स अगेन. आई थिंक कोलकाता में जो जो लाइक द ऑथेंटिक चाट है, यू लाइक दैट? हाँ, लाइक पुचकाज एंड ऑल ऑफ दैट. पुचकाज बट वो बेसिकली लाइक सिंपल खाना, उसे ज्यादा मेन कोर्स में इंडियन, उसका फेवरेट क्विजीन इज इंडियन. तो मतलब अ नाइस लाइक पनीर, नाउ ही इज वेजिटेरियन, सो लाइक अ नाइस पनीर, दाल चावल, दैट काइंड ऑफ थिंग. I know what triggers him now when it comes to me. मेरा focus बहुत खराब होता है generally class में. मेरा focus shift होते रहता है and I go into my own world a lot. So that triggers him जब हम काम कर रहे हैं. But otherwise day to day life में he's very patient. Like it's just जब हम काम कर रहे हैं and we're in that work zone और मैं ठीक से नहीं कर रही हूँ, तब वो थोड़ा ट्रिगर हो जाता है. बट दैट इज मतलब बिकॉज ही इज सो पैशनेट अबाउट हिज वर्क एंड ही इज सो ड्रिवन, वो तो आई अंडरस्टैंड. तो अदर देन दैट इसको गुस्सा है, इसको गुस्सा बहुत बहुत आता है, बट ये बहुत कंट्रोल में रखती है कि हम लोग इसको बार बार चढ़ाते रहते हैं, इरिटेट करते रहते हैं. बट सच पता है, अपने अपने काम से ही गुस्सा होती है. मतलब इफ शी इज़ नॉट गेटिंग समथिंग, या फिर कोई चीज़ बॉदर कर रही किसी फ्रेंड्स, मैं बाकी लोग जो है बाकियों की चिंता लेगी अपने अंदर और उससे इरिटेशन बाहर आएगा उसका. सो इट्स लाइक दैट, आपके पास चिंता है मुझे दे दो ना, आपकी चिंता मैं ले लूँ, हाँ फिर मैं गुस्सा करूँगी सब ऐसा. मैं तो अभी किया, मैंने फुल सोशल मीडिया पे किया, बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दिए, इतने तो मैंने रियल लाइफ में नहीं दिया सर को. मैंने कब दिया? मैंने नहीं दिया. ओह आई मीन हाँ हाँ, वो भी सी शांतनु के कॉम्प्लीमेंट्स, लाइक आई हैव सेड दिस पहले आल्सो, ही डजंट ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स नहीं देता है. लाइक ही वोंट टेल मी एवरी डे हाँ ये वो. तो अगर ही सेज समथिंग टू मी लाइक हाँ तूने अच्छा किया, या प्रोफेशनली पर्सनली भी देता है. But again, personally, be same चीज. If he tells me, हाँ तू अच्छी दिख रही थी or whatever, he's not like super romantic and stuff. वो तो हमें हम दोनों को एक दूसरे के बारे में पहले से ही पता था. तो अगर वो देता है compliment personal life में भी, तो I know he really means it. Like उसका बहुत value होता है. तो she's very honest. She's very honest. I'm telling you. मैं दिल की बहुत साफ है. ये मैंने बहुत बार बोला है, but बहुत गैप्स में बोला तो भूल जाती हूँ. एंड आई डोंट एक्सप्रेस इतना ज़्यादा. मेरे को देती रहती है. वो पूछ रहा है मैंने कब कॉम्प्लीमेंट दिया है, वो क्वेश्चन है. हाँ बट मैंने बता दिया, बिकॉज इसको याद नहीं रहेगा क्योंकि मैं बहुत गैप में देता हूँ. आई एम जस्ट सेइंग लाइक देयर आर फ्यू थिंग्स आई एम जस्ट सेइंग. एंड कुछ कुछ चीज़ें हर चीज़ कैमरा में थोड़ी बोलना है. उसने अभी मेरे को बोला. अच्छा नहीं ओके, मेरी से क्या बेस्ट कॉम्प्लीमेंट? I think that he's just a good human being, I would say. Yeah. But हाँ मतलब अगर general way में बताना. बहुत सारे, मैं तो बहुत सारे compliments दिए तुझे. कहाँ पर छोड़ना हो, किसको छोड़ना हो, किसको छोड़ना है? जाके छोड़ना है. मुझे इसको सजा देनी है. अच्छा तो मैं इसको जापान में छोड़ दूँगा. But वो तो सजा कहाँ है? It's a good thing I wanna go. I'm thinking about you and I'm saying कि जा. तो मैं भी तुझे लंदन में छोड़ दूँगी फिर. Oxford. लाना चाहेंगे. दुनिया का बोझ मत उठाओ. That's you understood the point, right? Yeah, I understood. Thank you. change. I wouldn't want to change him. Honestly, जो है वो है. अब ऐसे तो हमें एक दूसरे के बारे में चीज़ें पता थी तभी हम बोल पाए. बट आई मीन इट वॉज फन शेयरिंग इट एंड प्रोनाउंसिंग इट, क्योंकि वो कभी कभार हम भूल जाते हैं. एंड ये जो चीज़ है वो आप लोग भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए. जिस जो लोगों को जो लोग आपके लाइफ में इम्पॉर्टेंट है उनके साथ हम बहुत उन्हें ग्रांटेड ले लेते हैं. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू शेयर थिंग्स, टू स्पीक आउट लाउड कोई चीज़. इट्स इम्पॉर्टेंट एंड आई नो बहुत ईजी है ऐसे बोलना, बट करना बहुत डिफिकल्ट होता है. सो ट्राई इट आउट, इट विल हेल्प यू एंड इट विल बी विद समबडी हु रिस्पेक्ट्स यू एंड केयर्स फॉर यू. आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट. एंड हमारा रिलेशनशिप कभी वॉज नेवर अबाउट दिखावा.
तो आई इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. हम नहीं कह रहे कि पीपल हु शो इट इट्स अ रॉन्ग थिंग, बट हम जस्ट ये बोल रहे हैं कि इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. तो या सी यार मैंने इट्स अबाउट अगेन आई विल से जो नित्यामी ने कहा इट्स अबाउट द जर्नी इट्स अबाउट लर्निंग एंड दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. आप लोग इतना प्यार करते हो, आप लोगों ने इतना इतना जाहिर किया वो चीज़, दैट इज़ मोर देन इनफ एंड वो हाँ एग्जैक्टली. आई थिंक फॉर अस वो प्यार एंड दैट सपोर्ट एंड ऑल ऑफ दैट फॉर अस सच्ची में जेन्युइनली इज मोर इम्पॉर्टेंट टू अस देन द ट्रॉफी. Yep, and that's about it. Thank you so much, guys. Thank really, dil se. Thank you so much for all the support and love. And I know aapne kitna mehnat kiya hai sab cheez mein, be it voting, be it you know, anything. Just taking out your time and investing in us. That means a lot to us. Thank you so much. Thank you. Thank you.